साथियों नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको सीधा तस्वीरें इस समय रादौर से दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीबों के हिस्से के आटे की ब्लैकमेलिंग किस तरीके से चलती है, बिना नंबर की गाड़ियों में किस तरीके से आटा सप्लाई करते हैं। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के माध्यम से बिना नंबर की गाड़ियाँ यह निकाली जाती हैं, और विक्रम सिंह से जब बात करना चाही तो उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया और अपने आप इस काले कारनामे को छुपाने के लिए उसने वर्जन देने से इनकार कर दिया। ये हैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो कि आटे की बिना नंबर की गाड़ियां गोदाउन से निकालते हैं और इनको सप्लाई में लगवा देते हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि बीपीएल परिवारों का जो आटा है वो किस तरीके से कालाबाजारी में निकल जाता है। साथियों खबर को शेयर जरूर करें और भी काले कारनामे इस डिपार्टमेंट के हम उजागर करेंगे। साथियों जब भी हमें बात करनी चाहिए तो इस व्यक्ति ने इनकार कर दिया। क्या माल लेके जा रहे हो? कहाँ का है? किसका? हाँ जी कहाँ का बता रहे हो? अच्छा जा रहा है। आपका नंबर नहीं है? आपका नंबर नहीं है भाई साहब, गाड़ी का आपकी प्लेटे रहेगी, नंबर तो है क्या? नहीं प्लेटे रहेगी क्या? प्राइवेट गाड़ी है ये? कौन सा ना? प्राइवेट गाड़ी है ना? सरकारी माल तो है जी, प्राइवेट ही तो होगी गाड़ी। नहीं गाड़ी कौन सा मॉडल है? इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर कौन है? विक्रम। विक्रम, विक्रम का नंबर बोलेंगे? हाँ ले लो नंबर। ले भाई बात करो, नंबर ले। साथियों आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि लाइव तस्वीरों में, जो सरकारी राशन की जो गाड़ी है बगैर नंबर प्लेट है, और ये सारा हो सकता है दो नंबर में हो। इसमें मेंशन कर दो यार वो। हेलो, वो जो राइस मिल का वो सैंपल हो रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अशोक शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। श्रीमान जी मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, चीफ एडिटर कुरुक्षेत्र भूमि समाचार। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं एक जानकारी चाहता था, ये जो डिपू होल्डरों को आटा सप्लाई किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या सर ये विदाउट नंबर गाड़ियों में लोडिंग होके जाता है सप्लाई करने के लिए? कौन दे सकता वैसा भी तो आपने पता है, ट्रांसपोर्टर के रूल तो अलाउ नहीं करते बगैर नंबर की गाड़ी जो है इस तरह की जाएगी कोई कहीं पे भी नहीं जाएगी। हेलो, हाँ जी विक्रम सर। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है जो गाड़ी है ना आपकी, सर मेरी गाड़ी नहीं है सर, वो ठेकेदार की गाड़ी है सर। ठेकेदार की गाड़ी है तो आपका भी तो कोई राइट बनता है उसपे सर। एक्चुअली ना वो नई गाड़ी ली गई। नहीं 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 सर, एक्चुअली का मतलब ये नहीं कि मान लिया, देखो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है सर। नहीं हमारी जिम्मेवारी आटा उठाने की है सर। आटा उठाने की है ना, तो फिर गाड़ी का नंबर भी चेक कर, क्या आपको पता नहीं कि मान लिया दो नंबर में जा रही है, कैसे जा रही है गाड़ी ये? सर दो नंबर में तो बिल के साथ गई है सर हमारे, तो बिल के साथ मान लिया आप, मान लिया रिटर्न में दे दो हमारे को ये जा सकती है गाड़ी? नहीं मैंने ये कब कहा कि जा सकती है सर। नहीं आप कह रहे हैं मान लिया ठेकेदार की गाड़ी है, जिम्मेवारी तो आपकी भी है इसमें सर। जिम्मेवारी तो सर पे मैं आप कहाँ हो सर? हमने हमने आप मिलना है आपसे सर। अभी तो मैं बाहर हूँ सर। कब मिलोगे सर? मैं आपको शाम को मिल पाऊंगा सर। शाम को किस टाइम? शाम को 5-6 बजे मिल पाऊंगा। 5-6 बजे ठेकेदार का नंबर सेंड करोगे आप? हाँ सर बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे डायल करो। जी सर।